अछूत तो वो लोग हैं जो मेरे भगवान की मूर्ति तोड़ते हैं। मैं अछूत नहीं, इसीलिए हम दलित समाज के लोग जो भी कहना होता है सीधे मुंह पर बोलते हैं। अरे तू तो कभी चोरी छुपकर ही मेरे भगवान की मूर्ति तोड़ सकता है। जिस दिन सामने तू तोड़ेगा मूर्ति को, तो मेरी आंखें देखकर मेरे भगवान की मूर्ति को भी तू ही जोड़ सकता है। क्या हुआ, तूने मेरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की एक मूर्ति तोड़ दी, लेकिन मैं तो लाखों मूर्तियां बनाऊंगा। तब तेरा हाथ चलेगा मूर्ति को तोड़ने के लिए, तो मैं उस हाथ को भी उखाड़ कर दिखाऊंगा। अरे मैं उठा रहा हूँ आवाज, क्योंकि मैं सच्चा अम्बेडकर वादी हूँ। दलित समाज को सो जाने दो, मैं आने वाले कल की आजादी हूँ। अरे मेरे खून में खोल रहा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए बलिदान, तू कैसे भूल सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ही सिखाया है, धर्म नहीं केवल शिक्षा एक मात्र जरिया है। अरे अछूत बनकर नहीं तो धर्म का त्याग कर बचाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दलितों को, पर दलित आज तक भी नहीं समझ पा रहे हैं। पता नहीं क्या चाहते हैं राजनीति तोड़ तोड़ कर जो मेरे बाबा साहब की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। दोस्तों अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की एक भी मूर्ति टूटती है तो कोई सुनवाई और ना कोई एक्शन होता है, लेकिन अगर किसी भगवान का मंदिर भूकंप से भी गिर जाए तो ना जाने कितने बेगुनाह लोगों को पीटा जाता है। अरे बस एक बार जाग जाने दो मेरे दलित समाज को, फिर कोई भी बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ नहीं पाएगा। और जिसने पढ़ा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, वो कभी भी अम्बेडकरवादी और ना ही इस धर्म को छोड़ पाएगा। अरे तू तोड़ मेरे बाबा साहब की मूर्ति हर रोज, मैं बड़ी बड़ी मूर्तियां बनानी शुरू करवाऊंगा। अरे तू क्या रोकेगा मुझे, मैं अछूत नहीं एक सच्चा अम्बेडकर वादी हूँ, ये पूरे समाज नहीं पूरी दुनिया के सामने चिल्लाऊंगा। अरे आज तो तू चोरी से मूर्ति तोड़ता है, कभी सामने मूर्ति तोड़कर दिखाना। मूर्ति तोड़नी तो बहुत बड़ी बात है, मेरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में एक छोटा गलत शब्द बोलकर दिखाना, वहीं से तेरी जुबान को उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि मैं अम्बेडकर वादी हूँ। अगर तू मूर्ति तोड़ेगा मेरे बाबा साहब की, तो मैं तुझे भी तेरे घर में घुस घुस कर फेंकूंगा। अरे मेरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बचाया है तेरे भारत को, वरना गांधी ने तो खोखली आजादी दी थी। अरे इतिहास पढ़ और सही मायनों में देख के असली आजादी कब मिली थी। आज मेरे बाबा साहब की मूर्ति तोड़कर तू बड़ा खुशी का नाच नचाता है, कभी इतिहास पढ़कर देखना कि मेरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ही शिक्षा का बड़ा विधाता है।